नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा रस्तोगी और आप देख रहे हैं लाइव टुडे। सीधे आपको ले चलते हैं अयोध्या, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दौरे पर पहुंच चुके हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज के कृपा पात्र श्री महंत कमल नयन दास जी महाराज, श्री महंत अवधेश दास जी महाराज, श्री महंत भरत दास जी महाराज, श्री महंत जन्मेजय श्रवण जी महाराज, श्री महंत स्वामी रामानंद दास जी महाराज, स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, श्री महंत कन्हैया दास जी महाराज, श्री महंत गौरी शंकर दास जी महाराज, स्वामी नारायणचार्य जी महाराज, जगत गुरु दिनेशाचार्य जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री शिव शंकर दास जी महाराज, महापौर अयोध्या श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी, मान्य विधायकगण अयोध्या वेद प्रकाश गुप्ता जी, मान्य विधायक रुधौली बीकापुर गोसाईगंज और अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और उपस्थित पूज्य संतगण, दिगंबर खाड़ा पूज्य महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले सभी उपस्थित श्रद्धालुजन भाइयों बहनों, पूज्य महाराज जी की 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने स्वदेश दर्शन रामायण सर्किट के अंतर्गत निर्मित इस भवन को उनके नाम पर उनके से चरणों में समर्पित करने के लिए मैं दिगंबर अखाड़ा के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं इस अवसर पर उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हर व्यक्ति जानता है कि महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की का पूरा जीवन देश धर्म और इस समाज के लिए समर्पित रहा है। अयोध्या को अपना कार्य क्षेत्र बनाकर के, अपनी साधना स्थली बनाकर के उन्होंने धार्मिक आध्यात्मिक और अनेक रचनात्मक अभियानों को यहां से एक नई गति दी। एक नए अभियान के साथ उन्होंने जो अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ की, उस अभियान में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में जो अभियान आगे बढ़ा था और जिन पूज्य संतों की अग्रणी भूमिका इस पूरे आंदोलन में थी, जिसने इस देश के अंदर आम जन के मन में भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की उस समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के प्रति एक नया गौरव का भाव प्रत्येक भारतवासी के अंदर जगाने में सफलता प्राप्त की, एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जिसने आजादी के बाद के सुप्त पड़ी उस चेतना को जागृत करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया, वो आंदोलन से राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का था। और उसके अग्रिम जो सेनापति थे उनमें पूज्य महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज का नाम था, जिनका पूरा जीवन ही इस आंदोलन के लिए समर्पित हो गया था। आज से नहीं, 1949 से रामलला के प्रकटीकरण के साथ जो यात्रा प्रारंभ होती है, उस यात्रा को आगे बढ़ाने में
उस समय से उन्होंने जो कार्य योजना अपनी बनाई, अनुमान करिए 1949 से लेकर के और 2003 तक अंतिम श्वास तक उनके मन में एक ही बात थी कि राम जन्मभूमि मुक्त होनी चाहिए। सैकड़ों वर्षों की गुलामी की दासता से अयोध्या को मुक्ति मिलनी चाहिए और उसके लिए अहर्निश प्रयास करते रहे। मुझे याद है जब 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पर तत्कालीन सरकार ने यहां पर कायराना हमला किया था, गोलीकांड किया था, दर्जनों कार सेवक हताहत हुए थे। उन कार सेवकों की स्मृति का यहां पर बने, उसके लिए उन्होंने दिगंबर अखाड़ा की अपनी भूमि देने में कोई संकोच नहीं किया। आज भी दिगंबर अखाड़ा में प्रवेश करते समय हम सबको कोठारी बंधुओं की और उन कार सेवकों की स्मृतियां हमेशा ताजा कर देती है जिन्होंने 1990 में राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की उस अभियान के साथ अपने आप को जोड़ा था। अक्सर होता है कि लोग एक अभियान के साथ जुड़ते हैं, उस समय तक जुड़ने के बाद जब उन्हें लगता है कि सफलता नहीं मिलेगी तो या तो पीछे हट जाते हैं या उन्हें लगता है कि इससे हमें व्यक्तिगत रूप से कोई लाभ नहीं होने वाला है तो उस आंदोलन उस अभियान के साथ पीछे हट जाते हैं। लेकिन पूज्य महंत रामचंद्र दास परमहंसी इससे अलग थे, उन्हें लाभ हानि की चिंता नहीं थी, उनके लिए व्यक्तिगत पद और प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण नहीं थी, उनके लिए अपने इष्ट मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उस गौरव और सम्मान की पुनर्स्थापना वह महत्वपूर्ण थी और इसके लिए वह आजीवन कार्य करते रहे। 1949 से लेकर के 2003 तक कोई वर्ष ऐसा नहीं रहा होगा, कोई महीना ऐसा नहीं रहा होगा, कोई सप्ताह ऐसा नहीं रहा होगा, कोई दिन ऐसा नहीं रहा होगा जब राम जन्मभूमि का नाम उन्होंने एक बार अवश्य न जपा हो और इसकी मुक्ति के संकल्प के साथ स्वयं उसके साथ जुड़े न रहे। ये बड़ी बात है, इतनी लंबी यात्रा 54 वर्षों तक एक व्यक्ति एक आंदोलन के साथ जुड़ करके उसके अग्रिम पंक्ति के सेनानियों में खड़ा रहे, बहुत बड़ी बात। ये आज की वर्तमान पीढ़ी के लिए इसने भी प्रेरणादायी है जो आंदोलनों को किसी अभियान को किसी लाभ हानि की तराजू पर तोल करके देखने का प्रयास करते हैं। परमहंस रामचंद्र दास जी ने इन सबको लाभ और हानि के तराजू में तोल करके कभी भी देखा नहीं, क्योंकि ये उनके जीवन का मंत्र बन चुका था, उनका अपना स्वयं कुछ भी नहीं था, जो कुछ था इस समाज का था, इस राष्ट्र का था, सनातन हिंदू धर्म के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था और अपने समर्पण भाव के साथ वे आजीवन कार्य करते रहे। आज यही कारण है इनकी 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर भी हम उन्हें स्मरण करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। स्वदेश दर्शन और रामायण सर्किट के अंतर्गत इस यात्री विश्रामालय और इस संकुल का नामकरण परमहंस रामचंद्र दास जी के नाम पर ही करके उनके प्रति हम उनकी 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये भवन पूज्य महंत परमहंस रामचंद्र दास जी के नाम पर ही दिगंबर अखाड़ा में उनके नाम पर एक नया स्मारक इस भव्य भवन के साथ उनके आने वाले भक्तों दिगंबर अखाड़ा राम जन्मभूमि के प्रति अनुराग रखने वाले लाखों लाख श्रद्धालु जब भी अयोध्या आएगा इस भवन में ठहरेगा, पूज्य महंत परमहंस रामचंद्र दास जी की स्मृतियों को ताजा करेगा, राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए उन सभी कार सेवकों का स्मरण करेगा जिनका जीवन इस पूरे अभियान के साथ जुड़ा रहा। लाखों इस प्रकार के कार सेवकों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय महामंत्री सदैव अशोक सिंघल जी राम जन्मभूमि आंदोलन में जिनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका में थी, उसके केंद्र बिंदु थे। पूज्य संतों को एक मंच पर लाना,
यह अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। यह कार्य विश्व हिंदू परिषद ने सर्वे असोम सिंगल जी के माध्यम से करने में सफलता प्राप्त की और मैं इस मामले में अत्यंत गौरवशाली हूं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन से हमारा पीठ 1934 से जुड़ा रहा। मेरे पूज्य दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज 1934 से इस अभियान के साथ जुड़े रहे। 1934 और फिर 1949 जब अयोध्या में रामलला का प्रकटीकरण होता है उस समय उनकी भूमिका और उसके बाद जब राम जन्मभूमि मुक्ति की समिति बनती है तो राम जन्मभूमि मुक्ति की समिति के अध्यक्ष के रूप में मेरे पूज्य गुरुदेव महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की भूमिका इस सर्वविदित है। इसलिए हमें वर्तमान में इस बात को ध्यान में रखना होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा का पालन करना, विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न खोना और विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखते हुए अपने अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना और अगर कहीं से चुनौती आती है तो चुनौती का डटकर मुकाबला करने से पीछे भी न हटना, यही तो राम की धीरता है, यही राम की मर्यादा है और राम की उस मर्यादा का पालन आज के समय में अत्यंत आवश्यक है। हम सब जानते हैं मध्यस्थता, माननीय उच्चतम न्यायालय ने मध्यस्थता के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की थी, वो विफल रही। हम लोग पहले से जानते थे मध्यस्थता से अब कुछ होने वाला नहीं, लेकिन अच्छा है प्रयास अगर हो तो अच्छी बात है। महाभारत के पहले भी बड़े मध्यस्थता करने के प्रयास हुए थे, लेकिन उसका परिणाम फिर विफल रहा। परसों 6 अगस्त से फिर से माननीय उच्चतम न्यायालय डे टू डे की सुनवाई, प्रतिदिन सुनवाई करने के लिए उन्होंने मामले को लगाया है। हमें विश्वास है कि 30 सितंबर 2010 को माननीय उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने जो विशेष आदेश पारित किया है, राम जन्मभूमि के संदर्भ में जो आदेश प्राप्त किया है, उस आदेश के परिमार्जन करने के लिए उच्चतम न्यायालय में जो मामला वर्तमान में है अवश्य जनभावनाओं का सम्मान होगा और सैकड़ों वर्षों की जो तमन्ना है उस तमन्ना को पूरा करने में सफलता प्राप्त होगी। और इस विश्वास के साथ हम सबको पूरे धैर्य के साथ अयोध्या के आध्यात्मिक और धार्मिक गौरव को बनाए रखने के लिए अपना पूरा सहयोग देना होगा। एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, व्यक्ति आएगा जाएगा, अनेक महापुरुष अध्ययन के साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन अयोध्या को रहना चाहिए। अयोध्या का वैभव, अयोध्या के साथ जुड़ी हुई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और इक्ष्वाकु वंश की वह परंपरा अक्षुण्य बने रहकर के देश और दुनिया के अंदर या गौरव और वैभव इसी रूप में चलते रहना चाहिए। इसको और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और यही आश्वासन देने के लिए मैं एक बार पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर आपके बीच आया हूं। ये हमारे सामने एक अवसर है अयोध्या को उसके गौरव के अनुरूप, इसकी पुरातन काया को, इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को छूने बनाए रखते हुए अयोध्या को एक पहचान मिलनी चाहिए जिसका हकदार अयोध्या रहा है। जिस हक से अयोध्या को वंचित किया गया था उस हक को अयोध्या को दिलाने की आवश्यकता है और उस हक को दिलाने में हम सब भी सहायक बन सके, इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आपके बीच विशेष रूप से आया हूं। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अयोध्या का इतिहास दुनिया के अंदर आप देखेंगे इतना हजारों वर्षों का यह इतिहास अन्यत्र देखने में नहीं मिलता। यहां तो आप उंगलियों में दुनिया के इतिहास को गिन सकते हैं, लेकिन अयोध्या की जब बात आती है
तो फिर वह उंगलियों में नहीं, सालों में नहीं, उसके लिए हमें शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है, उसके लिए हमें अतीत के उन क्षणों और इन इस विशिष्ट नक्षत्रीय घटनाओं का सहारा लेना पड़ता है जिसे हम उंगलियों में गिन नहीं सकते। लेकिन हां, एक धार्मिक और एक आध्यात्मिक श्रद्धालु या साधक उस बात को महसूस अवश्य कर सकता है। इसके उस गौरव को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी होनी चाहिए और यह लगता है कि सब काम एक साथ चलनी चाहिए, एक साथ कार्यक्रम आगे बढ़ने चाहिए। उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार आपको भरपूर मदद कर रही है। आपने अयोध्या में देखा होगा 2017 के पहले 3-4 घंटे बिजली मिलती थी, पर्व और त्योहार आते थे, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं रहती थी, अव्यवस्था और अराजकता का शिकार बना करके अयोध्या को बदनाम करने का प्रयास होता था। लेकिन कुछ ही 2 वर्ष के अंदर ही यहां पे जो व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं, नई नई चीजें बनती हुई दिखाई दे रही हैं, सड़कों को और यहां के सुंदरीकरण की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुआ है, मुझे लगता है कोई ऐसा भारतीय नहीं था जब हम लोगों ने दीपोत्सव के कार्यक्रम को अयोध्या में प्रारंभ किया दीपावली के दिन, कोई ऐसा भारतीय नहीं रहा होगा देश और दुनिया का जिसने इसके प्रति हम लोगों को अपनी शुभेच्छाएं न दी हो, जिसने इसके लिए हमें धन्यवाद न दिया हो, जिसने इसके प्रति आभार न व्यक्त किया हो। और मैंने जिस बात को देखा, दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ जो लोग जुड़े रहे, जब उन्होंने अयोध्या की दीपावली को देखा, क्योंकि डिजिटल मीडिया टेलीविजन ने तो उसको व्यापक प्रेक्ष में दिखाया था। हम अयोध्या में थे तो हम एक स्थान पर थे, लेकिन टेलीविजन ने जब उसको पूरे परिप्रेक्ष्य में विराट रूप में दिखाने का प्रयास किया तो कोई ऐसा भारतीय नहीं था, खासतौर पर राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ कोई ऐसा कार्य सेवक न रहा हो जो या तो अयोध्या न पहुंचा हो या फिर उस दृश्य को देख करके जो भावुक न हुआ हो। एक ऐसा दृश्य था सचमुच, त्रेता की अयोध्या को वापस हम इस कलयुग में भी अयोध्या में उतार सकें यह भाव, और इसको हमने अपने एक आयोजन के साथ, राज्य स्तरीय आयोजन के साथ, राजकीय मान्यता देने के आयोजन के साथ इस दीपावली के उत्सव को अयोध्या के साथ इसलिए जोड़ा है कि अयोध्या की पहले अयोध्या ने देश को दीपावली जैसा पर्व दिया है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने पर्व दिया है, तो हम उस पर्व को अयोध्या के साथ जोड़ करके देश को दीपावली मनाने की परंपरा के साथ जोड़ सकें, यह अयोध्या वासियों का भी गौरव और सम्मान इसके साथ जुड़ता है। यह प्रेरणा अचानक नहीं है, हम लोग निमित्त मात्र हैं। यह प्रेरणा इन महापुरुषों, इन संतों और उन महापुरुषों का आध्यात्मिक प्रेरणा है जिनके कारण हम सब अयोध्या में आकर के इस आयोजन के साथ जुड़ सके। अचानक नहीं हो पाया। आज अयोध्या, इस जनपद का नाम लोग अयोध्या के नाम पर जानेंगे, इस नगर का नाम लोग अयोध्या के नाम पर जानेंगे, नगर निगम का नाम अयोध्या के नाम पर जानेंगे, कमिश्नरी का नाम अयोध्या के नाम पर जानेंगे। ये प्रेरणा भी मुझे लगता है सूक्ष्म रूप से जहां कहीं भी परमहंस जी जैसे उच्च संत विराजमान होंगे उनकी प्रेरणा है, उन्हीं संतों की प्रेरणा है, उन्हीं की आध्यात्मिक प्रेरणा है कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पा रहे हैं। यहां के घाटों का सुंदरीकरण मनु से लेकर के पूरे स्वाप वंश की का एक म्यूजियम यहां बने, भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए पूरे पहलुओं को एक म्यूजियम के माध्यम से हम देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सके और आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए
उनकी भव्य आकृति होने के साथ साथ डिजिटल माध्यम से हम उस समय के दृश्यों को साक्षात अनुभव कर सकें, इस भाव के साथ ही अयोध्या में नए कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए ही हम लोगों की वर्तमान पहल चल रही है। एक बहुत भव्य पहल होने जा रही है, तो देश और दुनिया में जहां कहीं नहीं देखने को मिलेगा वो अयोध्या में लोगों को देखने को मिलेगा। अयोध्या एक श्रद्धा, आस्था, श्रद्धा और पर्यटन का एक नया गंतव्य बने, इस भाव के साथ हम लोगों ने इस कार्य योजना को आगे बढ़ाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। और उस कार्रवाई के साथ जोड़ने के लिए मैं अयोध्या वासियों के पास आया हूं, क्योंकि ये प्रेरणा कोई अचानक प्रेरणा नहीं है, हर व्यक्ति जानता है। अयोध्या में राम जन्मभूमि में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो, यह कार्य हो, हर भारतीय की इच्छा है। लेकिन बड़े कार्य के लिए भूमिका भी उस प्रकार की बड़ी होनी चाहिए। ये सब भूमिकाएं हैं। अयोध्या में कोई आएगा, आए और चला जाए, इससे यहां पर, यहां के डेवलपमेंट पर इसका बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। वह आए, दो दिन, चार दिन, पांच दिन अयोध्या रुके, अयोध्या में जाए, राम जन्मभूमि में जाए, अलग अलग मठ मंदिरों में जाए, हनुमानगढ़ी में भी जाए, अलग अलग स्थानों पर जाकर के सरयू जी की आरती में भी सहभागी बने, यहाँ की गलियों में पंचकोसी, चौदह कोसी, चौरासी कोसी परिक्रमा का वह साक्षात्कार कर सके, और साथ साथ यहाँ पर भगवान राम के समय से जुड़े हुए उन स्थानों को पूरा साक्षात अनुभव, उस समय के अनुभूति को लेकर के जाए। रुकेगा यहाँ के होटल में, रुकेगा, खाएगा यहाँ के रेस्टोरेंट में, अयोध्या में जाए, अच्छे गाइड यहाँ पर रह करके अगर उसको बताते जाए और उस समय की घटनाओं के बारे में उसको त्रेता युग के साथ जोड़ने का प्रयास कर ले, बहुत अच्छी अनुभूति लेकर के जाएगा। और ये चीजें दिखाने की आवश्यकता है, यहां रोजगार सृजन हो, नौजवान, अयोध्या का नौजवान, इस जनपद का नौजवान, इस कमिश्नरी का नौजवान, पूर्वी उत्तर प्रदेश का नौजवान या उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं दूसरी जगह क्यों जाएगा जब उसके पास अयोध्या है? तो अयोध्या ने तो सब कुछ दिया है, अयोध्या उसको रोजी और रोजगार के साथ भी जोड़ देगा। और यह कार्यक्रम हम इस अभियान के साथ जोड़ना चाहते हैं। आपने देखा होगा, नियत साफ होनी चाहिए, कार्य हो सकते हैं। और कार्य कैसे होने चाहिए, दीपोत्सव का उदाहरण आपके सामने है, और अगर आपको और नजदीक आना है तो कुंभ का आयोजन प्रयागराज में कैसे होता है, अब तक के कुंभ के आयोजनों की तुलना इस बार के कुंभ के आयोजन से अगर आप करेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार की ऊंचाइयों तक अयोध्या को पहुंचाना चाहती है। अयोध्या कहां जाना चाहती है, अयोध्या को कहां जाने का हकदार अयोध्या है, अयोध्या को वहां तक पहुंचाने के लिए और उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हम लोग सभी आपके साथ जुड़े हैं। आप इस अभियान के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना चाहते हैं, और इसलिए उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा वृंदावन का हो, विंध्यवासिनी धाम का हो, नेमिस का हो, सुख तीर्थ का हो, देवीपाटन का हो, यानी चित्रकूट का है, यानी जितने भी ये तीर्थ स्थल हैं, हम लोगों ने तो महर्षि वाल्मीकि से जुड़े हुए स्थान लालापुर को भी विकास, पर्यटन विकास की दिशा आगे बढ़ाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। हम लोगों ने तो निसार राज कोहिया की राजधानी को भी विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने, आधुनिक विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कार्य वहां प्रारंभ भी कर दिया है। अलग अलग विकास की कार्य योजनाएं तैयार हों। कुंभ हमारा सफल इसलिए हुआ क्योंकि कुंभ के पहले हमने कुंभ इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज किया और प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गठन करके मेला प्राधिकरण को जिम्मेदारी दे दी कि आपकी जिम्मेदारी है, आपको क्या सहयोग चाहिए आप हमें बताएंगे, और इस जिम्मेदारी के साथ आपको इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। कुंभ देश और दुनिया के लिए एक अद्भुत घटना होगी, अभिनव आयोजन बन करके हो गए, बन करके तैयार
देश और दुनिया के सामने अद्भुत अपनी छाप छोड़ करके बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। पहला कुंभ था जिस कुंभ में कोई भगदड़ नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई दुर्व्यवस्था नहीं। और 2013 के कुंभ से मैं अगर तुलना करूं तो उसकी तुलना में दुगने से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में कुंभ में उपस्थित हो गए। भाइयों बहनों, जब हम इस प्रकार के आयोजन के साथ जुड़ते हैं तो ये भारत की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को देश और दुनिया के सामने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत होते हैं। और नहीं तो कुंभ के बारे में क्या बात फैलती थी, लोग कहते थे कुंभ का मतलब गंदगी फैलाना, पर्यावरण के लिए खतरा होना। अगर हम ये तैयारी नहीं करते तो जस्टिस डीपी सिंह के अध्यक्षता वाली कमेटी सबसे पहले उसके खिलाफ रिपोर्ट देती, कहते कि गंदगी है, अव्यवस्था है, अराजकता है और भी तमाम बात करती, और नहीं भी होती तो भी वो लोग लिख के दे देते। लेकिन हमने कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां पर किसी को बोलने का अवसर प्राप्त होता, और यह प्रयास हमें भी अयोध्या के बारे में करना चाहिए। अयोध्या में साफ सफाई हो, अयोध्या में कहीं गंदगी ना हो, अयोध्या में कहीं दुर्व्यवस्था ना हो, आने वाले श्रद्धालुओं के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो, यहां के घाट सुंदर हो, इन घाटों के माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधाएं मिल सके, ये सारी चीजें हमें एक दूसरे के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, कार्य किए जाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है, देखिए ये तो सच है कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसको एक दिन मरना है। जीवन की नश्वरता ये प्रकृति का एक शाश्वत नियम है, कोई उससे उभर नहीं सकता। लेकिन हां, व्यक्ति की का कृतित्व उसके जीवन को लंबे समय तक अमरता प्रदान कर सकता है, और अमरता प्रदान करने के क्रम में यह एक अभियान है। और पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज ने अमरता के उस लक्ष्य को राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ प्राप्त किया। राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए उनका समर्पण, उनका संघर्ष, राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ जुड़ी हुई उनकी स्मृतियां, इन सब कार्यक्रमों के साथ हम सबको जोड़ता है। मैं आज के इस अवसर पर पूज्य भक्त रामचंद्र दास परमहंस जी महाराज के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि राम जन्मभूमि के बारे में जो भावनाएं पूज्य महाराज जी की थी, इस देश के बहुसंख्यक समाज की भी हैं, उन भावनाओं का अवश्य सम्मान होगा। हम सब अयोध्या को दुनिया के सामने, अयोध्या के गौरव के अनुरूप एक नगरी के रूप में, धार्मिक, आध्यात्मिक और विकास के वर्तमान अभियान के साथ जुड़े हुए इस पवित्र नगरी के रूप में हमें स्थापित करने के अभियान के साथ जुड़ना चाहिए, यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर एक बार पुनः महंत सुरेश दास जी महाराज को और इस दिगंबर अखाड़ा से जुड़े हुए सभी जितने भी हमारे वैरागी संतगण हैं, उन सभी संतों को और सभी पूज्य संतों को एक बार पुनः इस अवसर पर हृदय से साधुवाद देता हूँ कि आप पूज्य महंत रामचंद्र दास परमहंस जी महाराज की इस पुण्यतिथि के आयोजन में हम सब सहभागी बने, उनके प्रति हम लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते थी। अयोध्या को उन भावनाओं के अनुरूप बनाने के लिए हम सब भी संकल्पित हूँ, इस विश्वास के साथ मैं इस पूरे आयोजन के प्रति हृदय से साधुवाद व्यक्त करता हूँ, श्रद्धालु जनों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। अयोध्या दिगंबर अखाड़ा के श्री सुरेश दास जी महाराज के सचिव श्री